Hello friends, welcome to Gyan Sangam classes. Friends, in series of Indian English Literature, we have already covered major writers of Indian English writing in which we have already discussed Toru Dutt, Ravindranath Tagore, Srojani Naidu, Niji Majikil, Arvindu. Today we are going to discuss another important writer, another important poet, Kamala Das. कमला दास किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि कहा से एग्जामिनर कमला क्वेश्चन उठाता है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को कमला दास से कमला दास के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं द लाइफ टाइम ऑफ कमला दास नाइनटीन थर्टी फोर टू टू जीरो जीरो नाइन एंड द बर्थ प्लेस ऑफ कमला दास इज त्रिशूर त्रिशूर इन केरला तो आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं कि एक तो वो कहाँ से बिलोंग करती हैं यानी केरला से बिलोंग करती हैं आप देखते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनकी जो मदर थी वो एक पोइट थी और फादर भी क्या थे एक एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे तो एक फैमिली बैकग्राउंड भी उन कि उनका की जो पोइटिंग राइटिंग है उसके अंदर मदद करता है इसीलिए इनकी बायोग्राफी से ये जाना जरूरी था कि उनकी मदर भी पोइट थी तो हमें ये जानने में आसानी होती है कि कहाँ से उनके अंदर जो पोइट्री के बीज आते हैं वो कहाँ से आते हैं उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वहां से आते हैं इसके बाद अगर बात की जाए तो उनकी मैरिज लाइफ की मैरिज उनकी किन के साथ होती है माधव दास के साथ होती है जो बैंकिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं और इसके बाद वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाती है देखो आ, कुछ कुल मिलाकर के दो तीन शहरों का जिक्र उनकी पोइट्री के अंदर देखने को मिलता है एक तो केरला दूसरा कलकत्ता एंड तीसरा बॉम्बे तो कुछ शहरों को आप देखोगे इसकी बायोग्राफी को पढ़ने का यही फायदा है कि हमें ये पता चल जाता है कि उनकी जो पोइट्री के अंदर ये जिक्र आया है ये जिक्र किस तरीके से आया है इसके बाद आता है कमला दास देखो यहां तक आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि वो कहां से बिलोंग करती थी केरला से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उनका पेन नेम क्या था व्हाट इज द पेन नेम ऑफ कमला दास कमला दास पेन नेम इज माधवी कुट्टी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पेन नेम ऑफ कमला दास माधवी कुट्टी ठीक है और ये उन्नीस के अंदर ये क्या कर लेती है इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और अपने उनका नाम पड़ जाता है कमला सुरैया ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है कि वो कब इस्लाम के अंदर कन्वर्ट होती है तो 1999 के अंदर वो इस्लाम को अडोप्ट कर लेती है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये कि वो कहां से बिलोंग करती है केरला से बिलोंग करती है दूसरा क्वेश्चन ये कि किस किस शहर का जिक्र आता है बॉम्बे का कलकत्ता का और केरला का इसके बाद क्वेश्चन आता है कि उनका पेन नेम क्या है माधवी कुटी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच इडोप्ट अडोप्ट इस्लाम इन नाइनटीन नाइनटी नाइन के अंदर वो अडोप्ट करती है इस्लाम को नेक्स्ट अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी की बात की जाए तो व्हाट इज द नेम नेम ऑफ हर हर ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इज माय स्टोरी जो के अंदर आती है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने दो लैंग्वेजेस के अंदर लिखा है वो कौन सी है मलयालम एंड इंग्लिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रोट इन टू लैंग्वेजेस इन मलयाली मलयालम एंड इंग्लिश इसके बाद आता है ही वाज द पोइट्री एडिटर ऑफ द इटर वीकली ऑफ इंडिया ठीक है वो इस वीकली ऑफ़ इंडिया की एडिटर रही हैं ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इसके बाद आता है कि उन्हें केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलता है केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड 19, 1969 में मिलता है और उनकी जो डेथ होती है वो दो में कहाँ पर होती है पुणे में होती है ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सिर्फ जो मैंने ऊपर बताए हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अबाउट कमला दास कमला दास के बारे में केन्द्र दारूवाला क्या कहते हैं के अंदारूवाला ने कहा कमला दास इज प्री एमिनेंटली ए पोइट ऑफ लव एंड पेन ठीक है एक ऐसी पोइट है जिन जो लव के अंदर जो पेन है उसको दिखाती है लव और पेन दोनों को दिखाती है वन स्टाल द अदर थ्रू ए नियर न्यूरोटिक वर्ड सी सेल्डम वेंचर्स वह मुश्किल से ही बाहर आ पाती है पर्सनल वर्ड से यानी जो भी पोइट्री लिखती है वो उसके पर्सनल लाइफ के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है ये कौन बोल रहा है ये के वाला बोल रहा है तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिस स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय ये किसके द्वारा बोली गई है एन दारूवाला के द्वारा किसके बारे में बोली गई है कमला दास के बारे में बोली गई है अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ही वोन साहित्य अकेडमी अवार्ड नाइनटीन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु इज कॉल्ड क्वीन क्वीन ऑफ इरोटिका यानी की किसे कहा जाता है तो कमलादास को कहा जाता है ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस उसके क्वेश्चन से रिलेटेड आप बनते हैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहले तो उनका वर्क प्लेस जो है वो त्रिशूर केरला से थी दूसरा क्वेश्चन बनता है कि माधवी कुटी उनका पेन नेम था उन्होंने इस्लाम धर्म को कब एडोप्ट किया इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कि उन्होंने दो लैंग्वेजेस के अंदर लिखा था कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस थी मलयालम और इंग्लिश के अंदर इसके बाद के एन दारूवाला ने उनके बारे में क्या कहा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड नाइनटीन एटी फाइव में मिलता है और उसे क्वीन ऑफ इोटी का कहा जाता है ठीक है अब आता है पोइट्री कलेक्शन का नेम कि पोइट्री कलेक्शन कौन कौन सी लिखी है प्लीज नेम दे तो सबसे पहले जो है सीरेंसर जो है वो पोइट्री कलेक्शन पूछी गई थी नेट के अंदर तो सीरेंस जो है वो उसकी पहली पोइट्री कलेक्शन है बाद बाद आता है है, बाद आता है 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 समर समर इन इन ठीक इसके ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स द कलेक्टेड पोएम्स ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग जितने भी मैंने यहाँ पे पोइट्री कलेक्शन लिखे हैं सभी के नाम याद रखने जरूरी है क्योंकि अब आप, आप, देख सकते हैं कि जब नेट में पूछे गए हैं तो अदर सेट एग्जाम्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरे पूरी रहती है तो प्लीज न, प्लीज रिमेंबर ऑल द बाय बाय ठीक है आपको नाम तो एटलीस्ट याद होने चाहिए ठीक है है इसके बाद आता है कि इसने कौन कौन सी सोर्ट स्टोरी लिखी है तो सोर्ट स्टोरी जो है वो एक ही इंपॉर्टेंट है एडोल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट ठीक है एडोल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट सोर्ट स्टोरी है ये ही इंपोर्टेंट है इसके बाद आता है नोवल ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि दल्फा बैट ऑफ लस्ट इज रिटन बाय कमला और इसकी प्रोटेगोनिस्ट कौन सी कौन होती है मानसी मित्रा जो है वो इसकी प्रोटेगोनिस्ट होती है अगर आप प्रोटेगोनिस्ट को ना भी याद करें बट बट आपको याद होना चाहिए कि प्लीज टेल अबाउट द नेम ऑफ द नोवल रिटन बाय कमलास द अल्फा बैट ऑफ लस्ट ओके नाउ द क्वेश्चन अबाउट ऑटोबायोग्राफी तो बताइए नाम बताइए ऑटोबायोग्राफी का तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय स्टोरी जो उन्नीस के अंदर आती है ठीक है तो अल्फाबेटो प्लस उन्नीस में आता है नोवल है उसके द्वारा लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी उन्नीस में आती है नाम है माई स्टोरी अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पोएम्स की तो अगर पोएम्स की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है फ्रिक्स का फ्रिक्स मतलब सन की सा पागल सा तो यह अपने जो लवर है उसको कह रही है कि वो कैसा है अनयूजल है अनएक्सपेक्टेड है ठीक है आ, मतलब पागल है एंड बिहेव अब नॉर्मली अब नॉर्मली बिहेव करता है ठीक है यहां इसके अंदर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फ्रिक्स की इंपॉर्टेंट लाइनें है क्या हैं कई बार ये लाइनें जो है वो ये लाइन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ए ग्रम बोएंट लस्ट कभी ना खत्म होने वाली लस्ट ठीक है काम वासना को बोल रही है फ्लेम बोयंट लस्ट ठीक है पेडल्स ऑफ डिजायर स्किन लेजी हंगर्स ये जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है दो लाइनें इंपॉर्टेंट है एक तो पेडल्स ऑफ डिजायर स्किन ऑफ लेजी हंगर्स

फुल ऑफ बैरनेस थी तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि जो कमी थी जो मतलब खालीपन था वो दिखाया गया है जैसे इनकी जिंदगी के अंदर हिजरू की जिंदगी के अंदर जो है खालीपन सा दिखाई देता है तो वैसे ही उसे भी अपने लाइफ के अंदर ऐसा ही खालीपन दिखाई देता था तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि डांस ऑपिनियंस रिटर्न बाय कमला दास। ठीक है द सन साइन कैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पोइट इसके अंदर क्या दिखाती है अपनी स्टोरी को बताती है कि इसके अंदर दिखाया गया है कि जो पोइटस का हस्बैंड है वो इतना ज्यादा क्रूर था कि वह उसे कमरे में बंद कर देता था ठीक है और उस कमरे के अंदर जो है कोई भी नहीं होता था और सिर्फ एक रेज एक जो रे है मतलब जो लाइट की रे है वही उसका साथ देती थी मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उसका हस्बैंड सुबह उसको छोड़कर जाता था घर पर और शाम को ही जब काम खत्म होता था तभी लौट करके आता था इस दौरान वो अकेली रहती थी अकेलापन महसूस करती थी कोई भी उसका साथ नहीं था साथी नहीं था सिर्फ एक क्या थी लाइट रे थी और उसी लाइट रे को इसने क्या एक कैट की संज्ञा दी है कि वो लाइट रे ऐसे दिखाई देती थी जैसे कोई येलो कैट जो है वो मेरी कंपेनियन की तरह मेरे साथ बैठी है तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है जो अनफुलफिल्ड लव की जो आ, इच्छा है कि लव प्राप्त हो लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाता unfulfilled जो लव रह जाता है वो जो जो रहती है एंजाइटी जो जो उसके बारे में बात करती है पूरी की पूरी पोएम्स के अंदर उसकी यही बातें जो है देखने को मिलेंगी मेन थीम ही उनकी पोएम्स की यही देखने को मिलेगी तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो पोएम है द सन साइन कैट इज रिटन बाय कमला दास नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ये येलो कलर्ड कैट येलो कलर्ड कैट जो है मतलब जो लाइट रे है वो कैसे दिखाई दे रही है द लाइट रेज जो कमरे के अंदर प्रवेश करती है लुक्स लाइक ए येलो कैट ओके ए होट नून इन माला बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पोएम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार एग्जाम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं ठीक है तो ऑटोबायोग्राफिकल uh, पोएम है क्या बताती है इर्निंग इच्छा फॉर हर जोइ चाइल्डहुड की वो जोइ चाइल्डहुड फिर से आ जाए उसकी जो फैमिली हाउस था कलकत्ता के अंदर वो मेमोरीज जो है वो फिर से आ जाए वो वो क्या करती है वो इस पोएम के थ्रू ये है मतलब चाइल्डहुड की जो नून है उसको

नोट इट डाउन ये जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं एक तो बैगर्स आते हैं ठीक है फिर आता है मैन विद पैरट्स इन केस और फॉर्चून कार्ड्स मतलब एक आदमी है जिसके केज में पैरट्स हैं और उसके हाथ में फॉर्चून कार्ड्स हैं वो आते हैं एक गर्ल जो बास्केट बनाती है वो आती है ठीक है और बैंगल सेलर आते हैं स्ट्रेंजर्स आते हैं तो आपसे ये पूछेगा कौन सी इमेज जो है वो इस फॉर्म में देखने को नहीं मिलती है प्लीज आइडेंटिफाई वन तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इमेज जो है ओड वन है ओके बैगर्स आते हैं मैन विद पेरेट्स के इनके जाते हैं गर्ल जो बास्केट बनाती हैं वो आती है बैंगल सेलर्स आते हैं स्ट्रेंजर्स आते हैं द नेक्स्ट वन द लुकिंग ग्लास ये भी इम्पोर्टेंट फोएम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोएम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द नोबल गेव हर है इसके अंदर क्या बताती है मेल डोमिनेशन को बताती है कि मेल डोमिनेशन आवर सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड ठीक है और इसके अंदर क्या है कि जो आ, मतलब औरत है वोमन को क्या दिखाया जाता है एक लुकिंग ग्लास ठीक है वो सिर्फ एक देखने की वस्तु है ना उसके अंदर कुछ इमोशंस है ना उसकी कोई कदर है ना ही उसकी कोई इंडिपेंडेंस है सिर्फ वो क्या है वो एक आदमी के लिए एक देखने की चीज है और वो उसने अपने घर में रखी हुई है तो लुकिंग ग्लास का जो मैसेज है वो यही देने की कोशिश कर रही है द वोमन गेव हर एवरीथिंग एंड अवे स्टार्टिंग फ्रॉम हर बॉडी टू ट्रस्ट एक औरत जो है एक आदमी को सब कुछ देती है बॉडी से लेकर के ट्रस्ट तक दिस डिपेंडेंस ऑन हर हर लीड टफ लाइफ फिर भी उसे एक बहुत ही टफ लाइफ जीनी पड़ती है क्यों वे सी हैज टू लिव विदाउट ऑफ लव फॉर हर मैन फिर भी उसे अपने मतलब पति का या जिसे वो शादी करती है या जिसका जो उसका लवर होता है वो उससे प्यार नहीं पाती है सपोर्ट नहीं कर पाती है ठीक है तो ग्लास द हेल्पलेसनेस ऑफ वोमेन बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेशन सोसाइटी दो चीजें जो है दो थीम जो है वो सी कवर्ड इन दिस पोएम द फर्स्ट थीम इज द हेल्पलेस ऑफ वोमेन द सेकेंड इज मेल डोमिनेशन ठीक है तो द इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोएम इज ऑल डिटेल्स दैट मेक हिम मेड एंड यू वर ओनली मे मतलब ये कहती है कि जो मतलब जो चलती है जो सब कुछ करने वाला होता है वो मेल ही है कंपोजिशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है uh, मतलब आपको सिर्फ इससे नाम याद रख लेना कंपोजिशन इज रिटर्न बाय कंपोजिशन इज ए पोएम बाय ठीक है और दूसरा याद रख लेना कि इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि मेच्योर एटीट्यूड सी रिजाइंस टू हर फिट वो अपने को नहीं करती है कि यही उसका भाग्य है बल्कि वो क्या करती है आयोनिकली प्लीज टू ऑल वोमेन वो चा, वो कर, वो सभी वोमेन से प्लीज करती है कि आप जो है अपनी ईगो को मरने ना दे ठीक है और अपनी बात भी किस में रखें मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी जो पक्ष है अपनी जो बात है अपनी जो इगो है वो भी रखें ठीक है तो जो कुछ हो रहा है मेल डोमिनेट कर रहा है तो आप उसे ना सही बल्कि अपनी व्यूज भी उसको दे अपनी मैरिज लाइफ को आगे चलाने के लिए तो इसके अंदर कुल मिला के बात ये है कि ये जो पोएम है ये क्या करती है ऑल वोम से क्या करवा रही है कि सभी वोमन इकट्ठे होकर अपने लिए आवाज उठाए एक प्रकार से फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करती है ठीक है तो आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी पोयम है जिसमें फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली डिस्क्राइब किया गया है कंपोजिशन इनविटेशन के अंदर क्या दिखाया गया है कि ए, मतलब इनविटेशन ऐसी पोयम है जो उसकी पूरे तरीके से जो ए, मतलब डिससैटिस्फैक्शन है अपने मैरिज लाइफ से अपने लव से अपने लवर से अपने हस्बैंड से वो सारी के सारी दिखाई गई है कि उसके अंदर अब मतलब प्यार नहीं है उनके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है तो जो फीलिंग उसके अंदर अब है फिलहाल जो है वो इस सिचुएशन के अंदर है लाइफ के इस पड़ाव के अंदर है जहां उसे ये फील होता है कि अगर ऐसी ही लाइफ है तो वो मरना ज्यादा बेहतर है ठीक है तो हैज ए फीलिंग द वेन हैज ए फीलिंग ऑफ डाइंग इन ए ऑफ लवर ठीक है वो वो से से मतलब बात कर रही है और वो ये कह रही है कि आओ तुम मुझे इनविटेशन दो मुझे इनविटेशन दो कहने का मतलब यह है कि तुम अपने गोद में मुझे संभालो और मैं जिंदगी से अलविदा कहूँ क्यों क्यों कहूं क्योंकि क्यों मेरी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं ना लव है ना ही मेरी रिस्पेक्ट है और ना ही जो है आ, मतलब आ, जो मैरिज लाइफ है उसकी फुलफिलमेंट है तो क्या दिखाया गया इसके अंदर जो इनविटेशन किसको दे रही है सी को दे रही है ठीक है सी इमेज दिखाई गई है कि सी को कह रही है कि मैं आप मतलब आप मुझे बुलाओ आपने पास यानी मौत को एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है वो संबोधन दे रही है इनडायरेक्टली एड्रेसिंग द डेथ ग्रैंड मदर हाउस ग्रैंड मदर हाउस जो है इसकी इम्पोर्टेंट पोएम है जो चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बात करती है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके अंदर एक जो है घर का नाम दिया गया है वो घर का नाम क्या है हाउस है नेम ऑफ द हाउस जो इस पोएम के अंदर जिस हाउस की वो बात कर रही है जहां पर वो रहते थे थी। ठीक है पहले जब वो बचपन में रहती थी जिस घर में उस घर का नाम जो था वो नलपत हाउस था तो ये आपसे पूछ सकता है अन इंट्रोडक्शन क्या है सिर्फ आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन एक पोएम है जो समर ऑफ जो कलकत्ता है समर इन कलकत्ता जो उसकी पोएट्री कलेक्शन है जो 1965 में आती है उसके बारे में बात करती है मतलब उसी का एक पार्ट है

डिपिक्ट मेल डोमिनेशन ओके तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ठीक है, है अपने से, से हसबेंड को कैप्चर से कम, मतलब कंपेयर करती है इस पोएम के अंदर तो आपसे पूछ सकता है कि वह अपने आप को किस से कंपेयर करती है सेलो से द नेक्स्ट क्वेश्चन द इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस पोएम इम्पोर्टेंट लाइन्स जो इस पोएम की है और जो कई बार एग्जाम में पूछ जाती है प्लीज नोट इट डाउन माई माइंड बिकम एट ओल प्ले हाउस ऑफ पावर ऑफ लव मेकिंग डोमिनेशन जैसे ही लाइट बंद होती है मेर डोमिनेशन मेरे ऊपर आता है तो मेरा जो आ, मतलब दिमाग है यानी मेरी बॉडी है वो एक प्ले हाउस बन जाती है ठीक है तो ये जो लाइने है ये इम्पोर्टेंट लाइने है कहने का मतलब ये है कि अब जो आदमी है उसके साथ कुछ भी कर सकता है और वो एक दर्शी की तरह देखती रहती है तो पुल मिला के ओल्ड प्ले हाउस के अंदर यही देखने को मिलता है मिल डोमिनेशन देखने को मिलता है इनहेरिटेंस के अंदर वो रिलीजन इसके जो रिलीजियस व्यूज है या रिलीजन के प्रति जो प्रोटेस्ट है वो दिखाई गई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन विच वर्क ही डिस्कस अबाउट रिलीजन क्योंकि और सभी में तो वही थीम जो है लव और अनफुलफिल्ड लव अनफुलफिल्ड जो है सेक्सुअल डिजायर्स उसके बारे में बात करती है बट इन दिस पोयम ही डिस्कस्ड ना सॉरी इन दिस पोएम सी डिस्कस्ड अबाउट रिलीजन जयसूर्या जो है वो क्या है अबाउट मेटर्निटी और चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ और मेटर्निटी के बारे में है रिलेशनशिप जो है वो बहुत बार एग्जाम में आए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर क्या दिखाया गया है इसके अंदर इसकी जो पूरी की पूरी जो लव की फिलोसफी है वो बताई गई है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो प्यार है वो ऑर्डर देन ए लवर चाहे देखो इसके अंदर ये दिखाया गया है कि प्यार के लिए ना तो एज मैटर करती है ठीक है कि कितना आ, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी उम्र का है लेकिन आ, ये जिंदगी में मैटर करता है कि वो आपसे प्यार करी ठीक है इसके अंदर ये नहीं है कि वो कितना बड़ा है कैसा है लेकिन अगर वो आपसे प्यार करता है तो उसकी उम्र भी मैटर नहीं करती है तो ये जो फिलोसफी है ये बताई गई है रिले में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आपको याद रखनी है कि इसके अंदर क्या दिखाया गया है लव इज ओल्डर देन ए लवर ंग लोंग आई वॉन्ट लव नोट लवर वो कहती है कि मुझे लवर नहीं चाहिए मुझे लव चाहिए प्यार चाहिए ठीक है तो ये सब बातें थी आज हमने डिस्कस की कमला दास से रिलेटेड आई होप सो कि आपको लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आई होप सो so, ये आपको अपने के आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स अंदर मिले ठीक है तो जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती थी इंपॉर्टेंट लाइन्स बनती थी वो सभी मैंने डिस्कस की हैं तो प्लीज ये ये मत मानिए कि ये सब ये लेक्चर जो है वो ऐसे ही दिया गया है बस इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं सिर्फ एज ए लेक्चर बट ये जितनी भी बातें यहाँ बताई गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है

Okay, bye bye, take care.